में खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। राज्यों में बड़े पैमाने पर खाद के साथ लिंकिंग खाद बेचने की जबरदस्ती कृषि केंद्र चालक की ओर से की जाती है। उर्वरक मूल कीमत में अधिक दर पर खाद बेचा जाता है। कृषि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस विषय पर रविकांत उपकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रविकांत उपकर ने कहा, हम समझते हैं कि कृषि राज्य मंत्री दादा भूसे साहब एक संवेदनशील मंत्री है, लेकिन आपके राज्य में क्या हो रहा है? बुद्धिमान किसान जानते हैं कि कौन सा उर्वरक लेना है, क्योंकि ये हमारा पीढ़ीगत व्यवसाय है, लेकिन कुछ कृषि केंद्र संचालकों द्वारा कृत्रिम कमी पैदा की जाती है। मेरा स्पष्ट मत है कि कृषि विभाग इसमें भागीदार है। अब से यदि किसी किसान को जबरन फर्जी बीज बेचा गया तो कृषि केंद्र के चालक के कपड़े उतार कर उसे मारा जाएगा। कार्रवाई करो और उन्हें सड़क पर लाओ। दादा भुसे साहब हमारे संयम का अंत न देखे, ऐसा रविकांत तुपकर ने कहा। संपूर्ण राज्यामध्ये खरीपाचा हंगाम आता सुरू होणार आहे आणि राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खतांच्या सोबत लिंकिंगचं खत विकण्याची जबरदस्ती कृषी केंद्र चालकांकडून होते आहे। दुसऱ्या बाजूला मूळ किमतीपेक्षा जास्त दराने खताची विक्री होते आहे, याकडे सर्रास कृषी विभागाचं दुर्लक्ष आहे। राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे साहेब, तुम्ही संवेदनशील मंत्री आहात असं आम्ही समजतो, पण तुमच्या राज्यात हे काय सुरू आहे? एका बाजूला जबरदस्ती लिंकिंग खताची शेतकऱ्यांवर थोपवल्या जाते जे खताच, आणि दुसऱ्या बाजूला कृषी विभाग आम्हाला सांगतो या खताचा तुम्ही आग्रह धरू नका। म्हणजे काय? आम्हाला शहाणपणा शिकवण्याची गरज नाही, कोणतं खत घ्यायचं, कोणतं बी पेरायचं याची अक्कल शेतकऱ्यांजवळ निश्चितपणे आहे, कारण तो आमचा पिढीजात धंदा आहे। परंतु कृत्रिम तुटवडा काही कृषी केंद्र चालकांकडून आणि व्यापाऱ्यांकडून निर्माण केला जातो आणि यामध्ये कृषी विभाग सहभागी आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे।